हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है। आज की वीडियो में बात करूंगा कि अपने यूट्यूब चैनल को सर्च लिस्ट में कैसे लेके आएं। दोस्तों, पहले अपने चैनल का अकाउंट बनाने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल का नाम दोस्तों ऐसा कुछ रखें जो सर्च लिस्ट में आ सके। क्योंकि दोस्तों मैंने कई बार देखा, सब लोग देखते हैं कि अरे ये तो मनोज दे का वीडियो बहुत यूट्यूब पे चलता है, बहुत मैं इसके चैनल के नाम से बना लेता। कुछ लोग बना लेते मनोज दे या मनोज दे से कुछ अलग हट के नाम दे देते, लेकिन मनोज दे का नाम डाल ही देते। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि मनोज दे का 2 मिलियन के सब्सक्राइबर में है, और उसका 2 मिलियन सब्सक्राइबर का मतलब होता कोई भी अगर मनोज ही डाल देगा सर्च लिस्ट में, मनोज डालेगा, आप अपने यूट्यूब चैनल का कोई भी नाम डालेंगे तो आपका चैनल सर्च में नहीं आएगा क्योंकि उसका मिलियन में चला। तो आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम कुछ इस तरह रखना होगा कि मतलब जो है कि हर यूट्यूबर से अलग रखना चाहिए आपको नाम, जिससे सर्च लिस्ट में आता है। दोस्तों दूसरी बात आपको ये बताता हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल का नाम कुछ इस तरह रखे, और दूसरी बात दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर 2 या 3 वीडियो जब आप लोग अपलोड कर देते हो तब भी आपका सर्च लिस्ट में आता है। दोस्तों तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, आपको वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके बताऊँगा कि आपके यूट्यूब चैनल का नाम कैसे सर्च में आएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो पे बने रहे अंत तक, आपको मैं उस हर एक सेटिंग बताऊँगा जो मैं यूज करता हूँ, और हमारा आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा सर्च करने के बाद फर्स्ट पे आता है, तो इसी तरह आपको भी करना है और मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप भी करोगे, आपका भी सर्च लिस्ट में इसे मेरे जिस तरह मेरा आता फर्स्ट पे, आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम सर्च करके देखना दोस्तों, आपका मेरा फर्स्ट पे ही आएगा। तो दोस्तों आपको भी ऐसा ही करना, क्योंकि कुछ लोग तो अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए दोस्तों यूट्यूब चैनल पर सर्च पर आता नहीं, तो आपका जो सब्सक्राइबर होता है नहीं हो पाता पूरे। तो आपको इस तरह से दोस्तों, मैं आपको वीडियो को लंबी ना करते हुए आपको मैं ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, वहाँ पे लाइव दिखाता हूँ। दोस्तों बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर हमारे वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को ऑल कर दें, जिससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आ चुके अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको मैं यहाँ से बताऊँगा कि अपने यूट्यूब चैनल को कैसे सर्च में लाते हैं और कौन से। तो मैं पहले दोस्तों आपको दिखाऊँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सर्च लिस्ट में आता है कि नहीं आता। तो मैं अपना यूट्यूब यहाँ चैनल खोलूँगा किसी और जीमेल से, तो यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख दूँगा। दोस्तों पहले मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, आपको मैं लाइव करके दिखाऊँगा कि दोस्तों आता है कि नहीं आता। मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम इस तरह से लिख दिया, मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया, नहीं सॉरी दोस्तों मेरा गलत नाम हो गया यहाँ पे, फिर भी ऊपर जो है जो आ गया तीर का निशान दिख रहा है, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइड लिखा हुआ है, आपका भी इस तरह से आएगा। तो दोस्तों आपको बैक हो जाना है, यहाँ से आपको क्रोम ब्राउजर ऑन कर लेना। क्रोम ब्राउजर ऑन करने के बाद दोस्तों वहाँ पे यूट्यूब सर्च कर लेना है। यूट्यूब सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइड पे इनेबल कर लेना, जिस तरह से मैंने किया दोस्तों, आपको यहाँ पे इनेबल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, तो आपको दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद एवर चैनल पे क्लिक करना है। तो दोस्तों हमारा एवर चैनल पे क्लिक हो गया, आप यहाँ कस्टमाइज चैनल दिख रहा होगा, आपको कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर लेना है दोस्तों। तो मेरा किस इस तरह से खुल रहा है दोस्तों। खुलने के बाद दोस्तों को आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, तो आपको थोड़ा जूम कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद देख रहेंगे आप यहाँ पे एक सेटिंग दिख रहा होगा, आपको इस सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा चैनल, चैनल पर आपको क्लिक कर लेना। तो दोस्तों यही वो कीवर्ड्स हैं जो आप अपने यूट्यूब चैनल पे लिख देते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल सर्च में आता है। अगर यही नहीं लिखते दोस्तों तो आपका एकदम आने की संभावना ही नहीं होता। दूसरा दोस्तों ये होता है, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम कुछ इस तरह से रखें जो यूट्यूब चैनल पे सर्च करने के बाद आता ही नहीं हो, तो आपका यूट्यूब चैनल सर्च में आ सकता है। अगर आप मिलता जुलता नाम लिखेंगे तो बिना कीवर्ड से, बिना वीडियो अपलोड किए आपका यूट्यूब चैनल सर्च में नहीं आएगा दोस्तों। तो ये जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ आपको बहुत यूजफुल है दोस्तों, क्योंकि यही
सेटिंग सब लोग अपने यूट्यूब चैनल में कीवर्ड्स लिखते हैं जिससे आप सबका यूट्यूब चैनल सर्च में। तो दोस्तों पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपको किस तरह से कीवर्ड्स लिखना होगा। तो दोस्तों मेरा पहले अपने चैनल का नाम लिखना जिस तरह से मैंने लिख के देखा। देखो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा जूम करके दिखा दूंगा। देखो मैंने पहले जूम करके दिखा दिया आपको, मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम इस तरह से लिख दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा कुछ नाम थोड़ा चेंजिंग, जैसे मैंने सर्च किया, मैंने आपको बताया यूट्यूब मेरा चैनल का नाम टेक्नो आदित्य जय है, तो आपने क्या किया, बोल दिया यूपी टेक्नो आदित्य जय, तो उसमें कुछ गलत वर्ड हो जाते हैं। तो ऐसा आपको कुछ, आपको भी ऐसे ही कुछ लिखना अपने कीवर्ड्स में कि कुछ गलत हो जाए जिससे सर्च करने वाला बंदा से मैच कर जाए। तो दोस्तों मैंने देखो अलग अलग लिख चुका हूँ यहाँ पे मैं। आपको दोस्तों इसी तरह से लिखना है, आपको मैं अब बताऊंगा कीवर्ड्स लिखते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा टेक्नो रिलेटेड है, यहाँ पे हम टेक्नो, अब मैं यहाँ पे आदित्य लिख देता हूँ। आदित्य लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली से कीवर्ड की के बटन पे क्लिक कर देना, आपको यहाँ पे इनेबल कर, दोस्तों मेरा कीवर्ड्स हो गया। आपको यहाँ पे लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव कर देना, बस यही प्रोसेसर है दोस्तों। आपका यूट्यूब चैनल 100% जो है सर्च में आने लगेगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों हम इसी तरह से यूट्यूब रिलेटेड, एप्लीकेशन रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ।